सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं डायमंड 3 के साथ एक हाई स्कोरिंग मैच, वो भी MCG के ग्राउंड में, और बहुत ज़बरदस्त है भाई ये मैच। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें उन बंदों के लिए भाई ये स्पेशल वीडियो जो मेरी हार का वेट कर रहे थे। तो गाइज चलो यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखना भाई किस तरह के मैच है। काफ़ी कमाल का ये मैच है। फिलहाल टॉस तो अपोनेंट ने वन करिए और सबसे पहले सेलेक्ट करिए बैटिंग। और भाई बाय द वे ये जो अपोनेंट हैं वो हमारे सब्सक्राइबर ही निकले थे गाइज। मतलब एक दिक्कत ये चली है ना कि जितने भी अपने सब्सक्राइबर भाई लोग मिल रहे हैं, हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन सबके सब मेलबर्न ही खेलते हैं भाई। अब पता नहीं भाई मेलबर्न में क्या क्यों खेलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और मेलबर्न भाई एक अलग लेवल का सीन बनता है, क्योंकि भाई इधर ऐसा नहीं है कि मेलबर्न कोई बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस, और मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। चलो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगी। राधा कृष्णन शुरुआत करिए और यहाँ पे लो पहली गेंद तो काफ़ी तक सही डाली थी। अपोनेंट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अगली बॉल पे हम उसने चौका निकाली और दो बॉलों में 5 रनों के स्कोर पे पहुंच गया। इस बार गाइज यहाँ पे ओ हो बताओ गाइज, ये एक ऐसा अपोनेंट आपको दिखने वाला है ना भाई, जिसके पास हर एक डायरेक्शन में ज़बरदस्त शॉट्स अवेलेबल हैं। चलो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं भाई, बहुत हद तक सही अपोनेंट है भाई, आगे देखते हैं क्या होता है। अब तक तो गाइज 3 बॉलों में 9 रन, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से भाई बॉल को पोजीशन कर रहा है ना भाई, थोड़ी सी जो गैप है वहाँ तक चौका निकाल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये देखो स्ट्रोक शॉट देखो कितना बेहतर ओ हो भाई, ये स्ट्रोक शॉट नहीं बल्कि गोल शॉट है 500, ठीक है, ये बहुत हद तक सही गोल शॉट है अगर आप अच्छे से बॉल गेसिंग कर लेते हो तब। अब दूसरा बॉल हम डालने वाले हैं क्योंकि 17 रन बन चुके हैं। अपोनेंट भाई बहुत हद तक तो सही खेल रहा है, यहाँ पे बढ़िया शॉट खेलने की फिर से कोशिश करी है, लेकिन पीछे फील्डर थे इस वजह से यहाँ पे 2 रन ही मिल पाएगा। 19 रन बने हैं पहले ओवर से, एक भी विकेट नहीं गिरा था। और भाई इनसे हमारी बात हो चुकी थी थोड़ी बहुत। नेक्स्ट ओवर करने वाले हैं विलियम्स, ठीक है, और विलियम्स यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट ओवर, देखते हैं किस तरह की इनकी ओवर रहती है। स्पेशली भाई इनकी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से खेला है लेकिन इतना अच्छे जरूर खेला है कि यहाँ पे 2 रन पूरे हो जाएंगे। मेलबर्न एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे 2 रन लेना बहुत आसान है। चलो गाइस आगे देखते हैं आगे की 4 गेंदें कैसे जाती है, लास्ट की 4 गेंदें पावर प्ले की, और बड़ा हिट आया है, बहुत अच्छे से टाइमिंग किया है, यहाँ पे छक्का मिलेगा बिल्कुल अलग लेवल का ये शॉट, 4-4-3। चलो गाइस अभी भी 3 गेंदें बाकी है, 4-31 फिर से गैप में चौका मिलेगा, 33 रन बन चुके हैं भाई, बहुत अच्छे तरीके से खेला है पावर प्ले में। अब आए हैं तीसरे ओवर लेके वरुण चक्रवर्ती, टोटल 37 रन बने हैं इनके पावर प्ले से। अब गाइस आए हैं वरुण चक्रवर्ती और पहली बॉल ओ हो क्या बढ़िया खेला यार, अलग लेवल शॉट खेल रहा है भाई, स्ट्रोक पुश हर एक तरह के शॉट अवेलेबल है भाई के पास एकदम परफेक्ट कम्बिनेशन में। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं 39 रन तो बन चुके हैं, एक भी विकेट इनकी नहीं गिरी है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। इस बार हमने फ्लिपर डाली है और आराम से इस बार खेला है, 302 नंबर का फ्री शॉट है, स्ट्रोक शॉट है, बहुत हद तक सही शॉट है, ठीक है, अगर आप चाहो तो रख सकते हो। अब चलो गाइस यहाँ पे 2 बॉलों पे 2-2 रन आ चुके हैं, लेकिन तीसरा बॉल जो होने वाला है यहाँ पे बीट करेगा अपोनेंट, शायद इनको लगा कि ये फ्लिपर आएगी लेकिन बॉल थी लेग स्पिन। अगली बॉल हम फ्लिपर डाल दिए और देखते हैं इस बार अपोनेंट कौन सा शॉट, वो हो देखो हर एक शॉट भाई के पास अवेलेबल है, यहाँ पे शायद गलती कर दिया है, 2 रन नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल अपील तो कर दी गई है लेकिन एम्पायर की क्या निर्णय होगी, बिल्कुल सहमति दिखाई है और आउट दिया है, पहला विकेट रन आउट के रूप में मिला हमें। चलो गाइज अगली बॉल जो होगी अगली बॉल वो होगी फ्लिपर, अपोनेंट किस तरह का शॉट, ओ हो क्या अच्छे तरीके से भाई कलाइयों का इस्तेमाल करके खेल रहा है अपोनेंट। चलो यहाँ पे 44 रन तो बन चुके हैं और ओवर थ्रो हुआ है और ये लगी डायरेक्ट हिट, तो लगी ही नहीं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट लग जाती तो विकेट चला जाता। इस बार गाइज हम लेग स्पिन करने वाले हैं, अगर अपोनेंट यहाँ पे गेसिंग करेगा 431 खेलेगा तो चौका बिल्कुल नहीं खेलेगा, वही शॉट लेकिन छक्का मिलेगा चौका नहीं, बहुत अच्छे तरीके से खेला। अब गाइज यहाँ पे आए हैं निशम और हम आपको बता दें इनके पास स्लोअर वंस वेरिएशन है जिसकी वजह से इनको रखे थे, हमने भाई 2-3 स्पिन और 2 फास्ट लेकर के आए थे टीम में। ओहो क्या बढ़िया तरीके से खेल रहा है भाई, एक भी गलत स्ट्रोक शॉट या फिर पुश या फिर लॉफ्ट नहीं खेल रहा, हर एक शॉट को अच्छे से सोच समझ के भाई साहब खेल रहे हैं, ये अलग लेवल की बात है। चलो गाइज अभी भी 3 गेंदें बाकी, 3 गेंदों में किस तरह के ओ हो देख रहे भाई ये शॉट देखो, और यहाँ पे डायरेक्ट हिट का कोई भी मतलब नहीं है, मेलबर्न एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ डायरेक्ट हिट का कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी डायरेक्ट हिट मार लो जल्दी विकेट मिलते ही नहीं है।
चलो अगली बॉल यहाँ पे हम देखते हैं स्लो रन करेंगे। फुलर लेंथ पे ये बॉल है, थोड़ा सा अपोनेंट को चकमा देने की कोशिश हम कर रहे थे और अपोनेंट बिल्कुल बड़े हिट की कोशिश जरूर करी थी, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट और यहाँ पे विकेट मिलेगा बिल्कुल। 62 रनों पे इनका दूसरा विकेट जाता हुआ और अब आखिरी ओवर करने आए हैं तश्किन अहमद। इनके पास गाय ज़्यादा कुछ वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन पेस सही है। 62 रन बने हैं और यहाँ पे पहली बॉल डॉट करवाई है, स्विंग गेंद थी, अपोनेंट डॉट हो गया। अगला बॉल हम डालने वाले हैं कौन से, तो कटर डालेंगे क्योंकि हम सोच रहे थे यार जितना बॉल डॉट निकल जाए उतना बेनिफिट है। 62 रन बन चुके हैं और मेलबर्न के ग्राउंड में इतने रन बहुत बड़े स्कोर है भाई, ये अब तक का मतलब अब तक बहुत बड़े स्कोर है भाई। 62 रन मेलबर्न में चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन अभी भी गाइज कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चार गेंदें भी बची है। इस बार शॉट देखो क्या ही शॉट खेला है, जब तक गेंद थ्रो होगी यहाँ पे अलग लेवल की फील्डिंग देखने को मिली है। जब तक गेंद थ्रो करेंगे 3 रन लेने का मौका है और अपोनेंट तो भाई चुकने वाला है नहीं। यहाँ से 65 रन बन चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बाकी है, तो क्या लगता है भाई ये 70 रनों के करीब जा पाएंगे कि नहीं, तो इस बार देखते हैं शॉट कौन सा खेलें। ओहो बढ़िया शॉट, गैप को देखो यहाँ पे दूसरा कोई रहता ना तो भाई वो बड़ा हिट लगाता, उसका एक ही सोच रहा था यार बड़ा हिट लगाओ कुछ रन आ जाएंगे, उसके चक्कर में विकेट गंवा देता। लेकिन अपोनेंट को अच्छे से पता है कि रन सही बन चुके हैं, जितने रन आ जाए उतने बेहतर हैं। इस बार गाइस हमने वाइड लेंथ पे बॉल डाली, अपोनेंट बड़ा हिट खेला और यहाँ पे 1 रन मिला और इसी के साथ 70 रन पूरे हो गए। चलो गाइस अपोनेंट की जो पारी है वो 70 रनों पे फिनिश हुई है। मेलबर्न ग्राउंड में 70 रन भाई साहब एक अलग लेवल का टारगेट है। 71 पे विन करेंगे हम, तो क्या गाइस आपको लगता है इस मैच को हम जीतने वाले हैं या फिर हारेंगे या फिर क्या होगा, आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे एफ सिंह को लेके आए हैं, ऑफ स्पिनर हमने पीछे खेला है, बिल्कुल गैप थी और उस गैप को हम पहले ही देख के भाई सोच लिए थे खेलना तो यही है। यहाँ पे पहली बॉल पे चौका मिला था, दूसरी बॉल बढ़िया से खेला और यहाँ पे भी चौका मिला, तो कुछ ना कुछ कह के देखा जाए तो भाई अब तक तो सही ओवर जा रहे थे हमारे भी, लेकिन हमने थोड़ा सा पीछे हटा जिस वजह से अच्छा पोजीशन ख़राब हो गया और यहाँ पे 2 रन लेने का मौका हुआ क्योंकि एज लगा था और बॉल जो थी वो गैप में चली गई थी। अगला बॉल के लिए हम पोजीशन सही तो किए थे लेकिन बहुत ज़्यादा टर्न होती है इनकी गेंद यार, एक अलग सीन है ये, यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ था बिल्कुल भी और इसी वजह से गाइस हम यहाँ पे 2 रन पूरा कर लिए। कुल मिला के देखा जाए तो 5 बॉलों में हमने 13 रन बनाए हैं। आखिरी बॉल पे हमने ये बड़े हिट की कोशिश करी थी और यहाँ पे थोड़ी सी फाइन गई गेंद जिसकी वजह से चौका मिला और भाई पहले ओवर से हमने भी 17 रन बना दिया था जबकि अपोनेंट का भाई 19 रन था पहले ओवर में। इस बार देखो अपनी ट्रेडमार्क शॉट मेलबर्न ग्राउंड में भी आई है, अलग लेवल का ये ट्रेडमार्क, एक बार देखना ये रिप्ले देखो, ओहो हो क्या क्लासिक हिट है भाई, ये अलग लेवल का शॉट है भाई ये। चलो गाइस यहाँ पे भाई आप परचेज करना भी तो भाई पहले प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये शॉट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ज़्यादा ही। ये देखो अगली बॉल पे हमने जमा दिया है फिर से शानदार शॉट छक्के के लिए और बढ़िया इस बार हमने कमबैक करी है, तो ओहो हो यहाँ पे स्वेप्शन की जो बॉल है ना वो टर्न इतना ज़्यादा कैसे कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो गाइस अगली बॉल देखते हैं, अगली बॉल पे फिर से बढ़िया शॉट और एक और चौका आएगा। यहाँ पे 17 रन बन चुके हैं, अभी भी गाइज 1 बॉल बाकी है इस ओवर की और बड़े हिट की कोशिश। जब गाइज ये शॉट मिस टाइम हुआ ना मुझे तभी समझ में आ गया था कि यार लग रहा है मैच अपने हाथ से जाने वाला है क्योंकि भाई मैं अक्सर भाई 98% गुगली बॉल को बाहर ही भेजता हूँ, लेकिन अलग सीन हो गया यहाँ पे। जब तक गेंद थ्रो होगी 2 रन लेने का मौका है, हम रिस्क उठाएंगे क्योंकि रन हमें हर हाल में चाहिए और हम एक और रन लेने के रिस्क लेंगे और पूरा भी करेंगे बिल्कुल। चलो गाइज अभी भी गाइज यहाँ पे 4 गेंदे बाकी है इस ओवर की, बड़ा हिट की कोशिश, परफेक्ट टाइमिंग, गो भाई साहब, एक और 6 बढ़िया शॉट राधाकृष्णन के ओवर में, इस बार आराम से ढकेला है बॉल को, देखो कितना अच्छे से गाइज जब तक हम मैंने मैच चला रहा था स्ट्रोक को, जहाँ बड़े शॉट आ रहे थे वहाँ बड़े शॉट भी मैं लाइन लगाया था, जो भी गलत गेंद मिल रहे थे वहाँ पे बड़े शॉट लगाए थे, लेकिन जो आगे का रिजल्ट होने वाला है ना वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, तो देखना गाइज क्या होता है। यहाँ पे 49 रन बन चुके हैं, 3 ओवर खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब तक तो गाइज रन रेट सही चल रहा था लेकिन अपोनेंट गाइज एक भी ऐसा बॉलर नहीं दे रहा था जिसमें मैं हाथ खोल सकूं। यहाँ पे पहली बॉल पे तो हमने हैंगरगर की चौका लगाई थी, हमने गेस पहले ही कर लिया था क्योंकि भाई ने रिवर्स नहीं डाला है और गाइज अगली बॉल इस बार हमने आराम से खेला, जब तक गेंद थ्रो होगी 2 रन लेने का मौका है, 11 बॉलों में 18 रन बनाना है तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आराम से बन जाएंगे, लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट्स है ना वहाँ पे आप देखना। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन तब तक गेंद थ्रो होगी, यहाँ पे 2 ही रन मिलेगा, हालांकि ये चौका मिलता अगर मुंबई का ग्राउंड होता तब,
और गाइज कोई बात नहीं, इस बार देखते हैं शॉट। भाई हमने लगा कि हमने सोचा भाई ये रिवर्स होगी, यही मसला होती है रिवर्स और स्विंग कटर को खेलने में। अब आए हैं इनके भाई चौथे गेंदबाज, एक से बढ़ के एक गेंदबाज रखा है अपोनेंट। और गाइज जब तक गेंद थ्रो होगी यहाँ पे दो रन लेने का मौका है, हम दो रन पूरा भी करेंगे और बढ़िया तरीके से खेलते हुए यहाँ पे देखना है एक बॉल से मैच पूरे तरीके से टर्न हो जाएगा। वो बॉल ए थी, जैसे ही बॉल डॉट हुआ पूरे तरीके से प्रेशर आ गया और उस प्रेशर में गाइज थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई। हालांकि कोई बात नहीं है, देखो मैं यहाँ पे मुझे ट्राई करना चाहिए था क्या 431, मुझे वो शॉट ट्राई करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा यार शायद 511 ग्राउंड को क्लियर कर दे, लेकिन जब किस्मत ही अच्छी नहीं हो तो भाई क्या करोगे। 62 रन बने हैं, देख लो अपोनेंट भाई हर एक लाइन का इस्तेमाल देख लो, कोई भी शॉट में टाइमिंग ही नहीं हो रहा है, एक अलग सीन बन चुका है भाई ये शॉट। भाई इतना आसान है खेलना है, फिर भी इसमें अच्छे से टाइम ही नहीं हो रहा था। चलो गाइस अभी भी गाइस आखिरी बॉल बची है, क्या यहाँ पे छक्का आएगा। बढ़िया शॉट खेला पीछे लेकिन फील्डर हैं, जब तक गेंद थ्रो होगी दो रन लेंगे और यहाँ पे रन आउट के रूप में हमारा विकेट जाएगा और इस मैच को गाइस हम 5 रनों से हार चुके हैं। वीडियो ऐसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको वीडियो देखने को मिलते रहे।